नमस्कार, और कैसे हो? तो पिछले कुछ दिन से बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे कि भी आपके एरिया में जो पेड़ होते हैं, लोकल पेड़, उनके बारे में थोड़ा डिटेल से बताइए हमको। और वो पेड़ दिखाइए अपने एरिया के जो भी होते हैं, और उसमें से मैक्सिमम लोगों को इसी पेड़ को देखकर ही कमेंट आ रहे थे, क्योंकि ये पेड़ मैंने अपनी वीडियो में बहुत बार दिखाया है। तो लोग पूछते हैं कि भाई इतना बड़ा पेड़ किस चीज़ का है? तो आज अपन इसी के बारे में बात करने वाले हैं। आज मैं अपने लोकल में जो जो पेड़ होते हैं उन सब के बारे में दिखाने वाला हूँ। तो इधर अपनी आंखों के सामने जो पेड़ दिखाई दे रहा है, ये बड़ा सा पेड़, ये खेजड़ी का पेड़ है। और राजस्थान में मोस्टली खेजड़ी के पेड़ ही मिलेंगे आपको। दूसरे नंबर पे बबूल के पेड़ होते हैं। और हमारे एरिया में तो मैक्सिमम खेतों में जो भी पेड़ दिखाई देते हैं, जैसे मैं कैमरा करके इधर दिखाता हूँ आपको, ये देखो जो भी पेड़ दिखाई दे रहे हैं दूर दूर तक, जितने भी पेड़ हैं मैक्सिमम पेड़ खेजड़ी के पेड़ हैं। यानी कि मान के चलिए 95% से ज़्यादा पेड़ खेजड़ी के ही हैं। और ये पेड़ बहुत पुराना पेड़ है, इसलिए थोड़ा सा ये बड़ा दिखाई दे रहा है। बाकी जो पेड़ हैं छोटे छोटे, वो नए पेड़ हैं। और हम इन पेड़ों को जाटी बोलते हैं, और जो वैसे हिंदी में इनको खेजड़ी बोला जाता है। और जो हरियाणा है, हरियाणा में इनको जांडी बोला जाता है, जांडी या जांड ऐसे कुछ बोलते हैं वो लोग। बाकी जैसे इधर मैंने सड़क के किनारे किनारे पे कुछ पेड़ लगाए थे, तो वो भी दिखाता हूँ आपको। इसमें ये जो पेड़ दिखाई दे रहा है, ये करंज का पेड़ है। ये इधर बहुत कम होता है, ये मैंने नर्सरी से खरीद कर इधर लगाया था, और काफ़ी साल हो गए इसको लगाए हुए, तो वैसा का छोटा छोटा ही खड़ा है। उसके बाद ये नीम का पेड़ है, तो नीम के पेड़ भी इधर बहुत ज़्यादा मिलते हैं। और ये विलायती नीम बोलते हैं इसको, या अंग्रेजी नीम भी बोलते हैं, हिंदी में तो मेरे को नहीं पता इसको क्या बोलते होंगे। और ये राख खेजड़ी का पेड़, ये नया पेड़ है, छोटा पेड़, इसीलिए ऐसा दिखाई दे रहा है ये। और उसके बाद आगे चलते हैं अपन। और अभी आपको ये जो पेड़ दिखाई दे रहा है, ये सूखा सूखा सा पेड़, ये बबूल का पेड़ है, देसी बबूल, वो जिसको हम लोकल में किकर बोलते हैं। इसकी जो डाली है वो दातुन करने के लिए काम में ली जाती है। जैसे आजकल तो टूथपेस्ट वगैरह चलता है, पहले के ज़माने में लोग इसी की जो टहनी तोड़कर उसी से दांत साफ़ करते थे, या फिर जो नीम की टहनी होती थी उससे साफ़ करते थे। और आज हल्की हल्की बारिश हुई थी, तो हवा बहुत तेज़ चल रही है, तो इसलिए आपको थोड़ा सा क्लियर नहीं सुनाई दे रहा होगा, तो आप मैनेज कर लेना थोड़ा सा। और इधर ये इन लोगों ने गेहूं का भूसा कलेक्ट कर रखा है, उसको ढक के रखा हुआ है ताकि बारिश में और ऐसे हवा से उड़ के ना जाए, बारिश में ख़राब ना हो। तो इधर से ये भाई साहब कट्टा भर कर घर ले जा रहे हैं पशुओं के लिए। और अभी मैं आपको उस खेत में ले चलता हूँ जहाँ पे अपने लीज पर लेकर गायों के लिए हरा चारा लगा रखा है, तो उधर का भी टूर करवाता हूँ आपको। ये इधर लगा रखा अपने गायों के लिए हरा चारा, और लगभग 1.25 महीने पहले अपने इसकी बुआई की थी, और आज ये ग्रोथ हो रखी है चारे की। देखो पूरा खेत हरा हरा दिखाई दे रहा है, एकदम मस्त। और ये जो पंप सेट पड़े हैं, ये सिंचाई के लिए हैं। अभी तो आज बारिश हुई है, तो एकदम मतलब थोड़ा सा इसमें सिंचाई हो गई है। बाकी नॉर्मली अपन पंप सेट से सिंचाई करते हैं बोरवेल से, तो उसके लिए फवारा सेट रखा हुआ है। और आज हवा बहुत भयंकर चल रही है, बहुत खतरनाक हवा चल रही है, एकदम ठंडी ठंडी हवा। उधर ये बाकी दूर दूर तक जो खेत दिखाई दे रहे हैं, बाकी सब खाली खिपड़े हैं। इनमें जब बारिश होगी तभी इनमें खेती होगी, और इनमें मैक्सिमम खेतों में चने की खेती हो रखी थी, उसकी कटाई वटाई हो चुकी है। और उधर ये सिर्फ अपना अकेला खेत है जिसमें ये कुछ खेती कर रखी है। बाकी देखो दूर दूर तक जितने भी खेत दिखाई दे रहे हैं सब खाली हैं, सब खेतों में बारिश होने के बाद ही खेती होगी। अब खेत में तो चारा तो बहुत अच्छा खड़ा है, लेकिन अब आरा पशुओं से डर है, और पशु देखो छोड़ते हैं या नहीं छोड़ते, क्योंकि मैक्सिमम खेत खाली पड़े हैं, और जब उनको भूख लगेगी तो सीधा इधर ही आएंगे। अब इसकी रखवाली करनी पड़ेगी, लेकिन देखते हैं अब आगे जो भी होगा। अब ये देखो जो आवारा पशु घूमने वाले होते हैं वो इस तरह से खा जाते हैं फसल को, तो इसमें ये जो फसल खा रखी है नीलगाय ने खा रखी है। तो नीलगाय क्या है कि बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं करते खेतों में, वो क्या होता है कि ऐसे घूमते फिरते रहते हैं, तो जैसे इधर मुँह मार लिया उधर मुँह मार लिया आगे निकलते रहते हैं। लेकिन जैसे आवारा पशु होते हैं बैल सांड वगैरह, वो क्या कहते हैं पूरा तहस नहस ही करते हैं पूरी खेती को, एकदम उजाड़ देते हैं पूरा पूरा, मतलब खाएंगे कम और पैरों से ज़्यादा रौन देते हैं। अब बस उन्हीं का डर है, बाकी तो सब ठीक खड़ा अभी तक। तो अभी तो फसल थोड़ी छोटी खड़ी है, अभी थोड़ी और बड़ी हो जाएगी, तो उसके बाद इसकी कटाई स्टार्ट कर देंगे अपन, यानी कि 15-20 दिन के बाद में। और अब आपको मैं फार्म में ले चलता हूँ,
फार्म भी दिखा देता हूँ अपना। और यार अपना फार्म सबसे पहले एंट्री होते ही अपने कटड़े से मुलाकात होगी उसके बाद मुलाकात होगी मिट्टी से, उसके बाद आपकी मुलाकात होगी गोरी से, और इधर थोड़ा सा मुड़ते ही इधर मुलाकात होगी, इसका नाम नहीं बताऊंगा मैं आपको, इधर आपकी मुलाकात होगी सबसे पहले निप्पल ब्रो से, उसके बाद गोरी से, नहीं सॉरी उसके बाद होगी आपकी लड्डू से, उसके थोड़ा आगे चलते ही टारजी मैडम मिलेगी आपको, और उधर वो ब्रो उसका भी नाम नहीं बताऊंगा, उसके बाद काली मिलेगी आपको, फिर ये गाय मिलेगी, भैंस मिलेगी, और उसके बाद ये गाय मिलेगी आपको, और उसके बाद सबसे लास्ट में आपकी मीटिंग होगी जिमी से। ये रहा अपना फार्म, अपने फार्म के सारे मेंबर्स ये देखो, और फिर इधर चलते ये कुछ सामान बिखरा हुआ है, इधर गायों के लिए दाना पक रहा है, इधर ये चूल्हा है जिसपे अपन चाय बनाते हैं, खाना वाना तो घर पे बनता है, इधर सिर्फ और सिर्फ चाय बनती है, और जब ज़रूरत हो तो पानी गर्म किया जाता है। और इधर ही अपने खेत रहे, और बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि भाई आपका फार्म ऐसे सुनसान टाइप की जगह पे है, आसपास में कुछ घर भी नहीं है, तो घर ऐसी बात नहीं है, इधर देखिए ये अपने घर है पीछे, ये मकान दिखाई दे रहे ना, इधर अपन लोगों के घर हैं तो ज़्यादा दूर नहीं घर। वो पूछ रहे थे कि भाई सुनसान जगह पे है तो आवारा पशुओं से कैसे बचते हो, जंगली जानवर से कैसे बचते हो, तो अभी आवारा पशु आने स्टार्ट नहीं हुए हैं, खेतों की फसलें अभी कटाई मतलब कंप्लीट ही हुई है, तो अभी जो आवारा पशुओं को जैसे बाड़ा बना के रखते हैं गांव में तो वो उनको खुला छोड़ देंगे, तो उससे अपन ने जैसे इधर जाल लगा रखा है, इधर जाल लगा देंगे खेत के चारों तरफ। और रही बात है जंगली जानवरों की, तो इधर कोई भी जंगली जानवर नहीं है, सिर्फ कुत्ते घूमते हैं और इक्का दुक्का गिदड़ घूमते हैं, तो गिद्दड़ तो बिल्कुल ना के बराबर बचे हैं, मैंने अभी तक मैक्सिमम 4 या 5 बार गिद्दड़ देखे होंगे, तो गिद्दड़ हैं लेकिन वो छुपे रहते हैं, बहुत कम निकलते हैं, और जो निकलते हैं वो भी शाम के टाइम पे निकलते हैं, तो शाम के टाइम पे अंधेरे में उनसे मीटिंग होना मतलब बहुत कम होता है ऐसा। उसके बाद दूसरे नंबर पर जो जंगली जानवर हैं वो खरगोश हैं, तो खरगोश कोई भी अपने नुकसान नहीं पहुँचाते, वो भी इंसानों से डरते हैं, वो इधर पास में आते नहीं, खेतों में घूमते रहते हैं। और उसके बाद जंगली जानवरों में जानवर तो नहीं, फिर पक्षी बसते हैं, और अपने फार्म में पक्षी बहुत सारे हैं, बहुत सारे पक्षी हैं, सबसे ज़्यादा चिड़ियाँ हैं, उसके बाद कुछ कोई कादुका कबूतर हैं, तो चिड़ियों को तो अपन ने स्पेशली इसी प्रकार से डिज़ाइन किया मेरे फार्म को कि चिड़ियाँ ज़्यादा से ज़्यादा हैं अपने फार्म में, क्योंकि चिड़ियों का शौकीन अच्छे लगते हैं पक्षी लोग, तो इसलिए अब मैंने इस हिसाब से डिज़ाइन कर रखा है कि सबसे ज़्यादा चिड़ियाँ इधर ही आएँ, और कभी कभी तो वीडियो भी नहीं बनाने देती, इतना शोर करती हैं चिड़ियाँ, इतना शोर करती हैं वीडियो बनाना ही मुश्किल हो जाता है। तो ये है अपना फार्म का साइड, इधर से मैंने बताया भी था कि ये तिरपाल मैंने कुछ हिसाब से लगाया है कि जैसे हवा चलती है तो इधर इसको ओपन कर देते हैं ताकि साइड के अंदर ठंडी ठंडी हवा आती रहे, पशुओं को गर्मी ना लगे, तो इस हिसाब से ये बनाया है मैंने।
तो भाई प्रसाद खा लो आप लोग भी। हमारे फार्म में जो बंदा रहता है काम करने के लिए, तो उसने आज पूजा पाठ की है मंदिर में, तो उसने प्रसाद बांटी है। और ये अपने फार्म का बैक व्यू, पीछे से कुछ ऐसा दिखता अपना फार्म, जो वाइट कलर का दिखाई दे रहा है। ये त्रिपाल लगा रखा है, धूप गर्म हवा सर्दी बारिश बरसात इन सब से बचने के लिए। और ये जो फिर से लॉकडाउन हुआ है, इस लॉकडाउन की वजह से अपने को काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा है। अपने पास से घी पैक करने के लिए जार नहीं बचे एक भी, हालांकि जार तो बचे हुए हैं, तीन बॉक्स तो ये बचे हुए और आधा लीटर में एक बॉक्स ये बचा हुआ। तो जो मतलब जार तो हैं, लेकिन जार पे लगाने के लिए ढक्कन नहीं बचे, एक भी ढक्कन नहीं है। तीन चार ढक्कन बचे हैं, वो ढक्कन भी काम के नहीं है। तो अभी क्या था कि मैं दिल्ली से मंगवाता हूँ ये जो जार वगैरह हैं ये, तो लेकिन दिल्ली में लॉकडाउन लगा हुआ, तो उधर से वो लोग बोले कि अभी हमारा ऑफिस बंद है लॉकडाउन की वजह से, तो हम आपके एड्रेस पे वो जार नहीं भिजवा सकते, और कहीं से मेरी बात नहीं बन रही। तो अभी देखो कब तक ये चलता है, उसके बाद अपने पास ढक्कन आएंगे जार आएंगे। तो मैंने जार भी मंगवाए हैं और ढक्कन भी मंगवाए हैं, अब की बार मैंने थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी मंगवाए हैं ताकि अगर ऐसी प्रॉब्लम होती है तो अपने को ज़्यादा इम्पेक्ट ना पड़े, क्योंकि कुरियर सर्विस तो चालू है, लेकिन अब अकेले कुरियर का क्या करें जब अपने पास प्रोडक्ट ही ना हो। और जो अपने पास बबल रैप था वो ख़त्म हो गया था, तो अपन ने बबल रैप भी नया ले लिया है। और ये सारा अपना पैकिंग रूम वगैरह है ये देखो, और अपने पास जो पेज थे पेज भी ख़त्म हो गए थे, ये देखो थोड़े से पेज बचे हुए हैं, 10 या 15 पेज होंगे। लेकिन आज मैं मार्केट गया था, वैसे तो लॉकडाउन लगा हुआ है लेकिन दुकान खुली मिल गई थी मेरे को, तो उधर से अपने पेज ले लिए। तो अभी मतलब सिर्फ जार के भरोसे बैठे हैं, कब तक जार आते हैं उसके बाद आप लोगों को फिर प्रोडक्ट भिजवाएंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी बनी है। चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, राम राम, बाय।